हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको जैसा कि मालूम होगा, डीएफसीसीएल स्टेशन मास्टर 2018 का उन्होंने ऑफिशियल आंसर की डाल दिया है। आप अपने स्टूडेंट लॉगिन आईडी का यूज करके उस पोर्टल पे देख सकते हैं कि आपने कौन सा आंसर मार्क किया था और आंसर सही आंसर क्या है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे एक ऑब्जेक्शन मैंने डाला है आंसर करेक्शन के लिए। मुझे उनका एक आंसर गलत लग रहा है, वो क्वेश्चन जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो मैं आपको ये इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। यही जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन, इन हाइड्रो पावर प्लांट्स विच एनर्जी ऑफ वाटर इज यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें उन्होंने आंसर जो दिया है वो दिया है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आंसर होगा और दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही हो सकता है। क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि वो कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो जो मैंने जो डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट में डाला है और जो मैंने जो आर्गुमेंट उनके बीच रखा है ऑब्जेक्शन में, तो उन्होंने मैंने ये रखा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कॉन्स्टेंट होता है कोई भी सिस्टम के लिए। और उसके लिए एक डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये डायग्राम दिखाया गया कि जब कोई वाटर में जंप करता है तो ये सबसे पहले उसकी जब वो हाइट पे खड़ा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो जैसे ही वो जंप करता है तो काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से डैम में जो हम वाटर स्टोर करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होती है। लेकिन जैसे ही जब वाटर नीचे फ्लो करना शुरू होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलना शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो टरबाइन का जो रोटेशन होता है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी की मदद से होता है, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी की मदद से नहीं होता वो रोटेट। और जो उसका जो प्रोसेस होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, उसमें प्रोसेस में देखेंगे कि लास्ट वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो कन्वर्ट होती है टरबाइन के रोटेट होने की मदद से। और फिर फाइनली मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है जनरेटर्स के मदद से। तो और ये मैंने एक अटैचमेंट डाला है वहाँ पे, उन्होंने मैक्सिमम तीन अटैचमेंट मांगा था तो मैंने एक डाला है, वो फिजिक्स की बुक की एक अटैचमेंट है, कॉपी है, तो मैंने वो डाला है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट लिखा गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो पावर इज दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर स्टोर्ड एट ग्रेट हाइट्स इन द डैम इज कन्वर्टेड इन टू द काइनेटिक एनर्जी बाई अलाउिंग द वाटर टू फ्लो एट हाई स्पीड, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मैं इसी पॉइंट के बारे में बोल रहा हूँ। उन्होंने एक्चुअली क्लियर मैंसन नहीं किया था कि वो कौन से एनर्जी की बात करें, किस पॉइंट पे, क्योंकि जब टर्बाइन रोटेट होती है तब तो काइनेटिक एनर्जी की मदद से होती है, जब वाटर जब डैम में स्टोर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसलिए उनको क्लियर मैंसन करना चाहिए था या तो क्वेश्चन में। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो फिर उनको दोनों ही आंसर को सही मानना चाहिए। और इसी के फेवर में मैंने ये अटैचमेंट डाला है और ऑब्जेक्शन भी डाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं अपना क्या पॉइंट रखना चाहता हूँ। अगर आपको सही लगा है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।